ये पहला बाइट। मजा आई? ठीक है। हाँ चांदनी, क्या बनाने जा रहे हो? तेज बोल लो। बाटी चोखा बनाने जा रही चोखा हूँ। बाटी चांदनी बनाने जा रही है। चोखा ये बाटी देखो जो भी है बाटी का, वो सब बेसन और आटा मिला चुकी है। हाँ? चलो ये इसे करने दो। मैं जब तक, ये रियान से देखो कैसे चला रहा है। मैं जब तक इसके लिए जिसपे सेकेंगे वो आग बनाऊं जाके, ठीक है? दोस्तों ये देखो कर रही है, अपना कर रही है। मैं भी जाता हूँ आग बनाने, ठीक है? दोस्तों ये देखो आटा गूंद चुका है, जो भी है ये मैं जाता हूँ उसमें आग लगाऊं जाके। हाँ सही है, इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी मत बनाना। भाई पकने में भी टाइम लगे क्या हाँ पता। हाँ हाँ बस इतनी इतनी छोटी छोटी बनाऊँ। ये देखो बनने लग गई हैं बाटियाँ। बेटे पकाओगे तुम ही आज, हाँ मेरा मैं ही लग जाएगा पकाऊँगा। पकाते पकाते क्योंकि वैसे गर्मी बहुत हो रही है। मैं पका लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। रियान से पकवा के बना रही हो तो अपना तो बता दो, तुमसे पूछ पूछ के बना रही हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रियान चलो सुनो, बेसन रख दे बेटा। यहाँ से बेसन रख दो। चलो तुम बनाओ फिर, ठीक है? दोस्तों ये देखो कंडे मैंने फोड़ लिए हैं, जो गोबर की पपड़ियाँ हैं, और अब इसमें लगाऊंगा आग। फिर आप लोगों को दिखाते हैं, इस पर बाटी रखेंगे, ठीक है? ये देखो राज ने कितनी तेज आग लगा दी। राज साड़ी बचा के, साड़ी बचा के देख रहे हो कितनी तेज से आग। राज होली ताप रहे हो, कैसा मजा आ रहा है? कती बिल्कुल मजे आ रहे हैं। बहुत गर्मी मेरे को इतनी है। दूर से आँच लग रही है, ठंड तो नहीं लग रही कहीं? दोस्तों ये बन चुकी हैं बाटियाँ, अब इन्हें लेके जा रहा हूँ तो आग के पास इस पे रखने के लिए, ठीक है? इन्हें इस पे रखूँगा, फिर पकने में बहुत टाइम लगता है भाई साहब, इसमें मेहनत बहुत लगे, पसीना ही पसीना हो गया हूँ मैं पूरा, पसीना पसीना। आँच आ जा पूरा रही बेटू, देखो कैसे पसीने पसीने। पसीना हाँ ना, पसीने पसीने हो गए हैं भाई। बीवी को इम्प्रेस कर रहे हो क्या, चल। खुद के लिए बना रहे हो? और आए मैया, मुझे अच्छा लगता तुझे कौन से? मुझे नहीं अच्छा लगता है। झूठे ही मालूम कह है देते कि मैं तेरे मालूम लिए देता है बना रहा तुझ में वो हूँ, कर देता, झूठे ही बोल देते मैं तेरे मालूम लिए है बना जाके रहा एक हूँ। सीमेंट डाल देता, हाँ ले आते, सही कह चार रहे पांच हो। लेके आ जाता तेरे तो अंदर ही पकेंगे मिट्टी में। मैं सोच रही बताऊँ, एक बिस्तर भिजवा दो थोड़ी अधिक अच्छी से, देंगे फिर गाड़ दियो बढ़िया स्वाद आ जाएगा। हाँ सोच रही आधी पका दी, लाओ नहीं पानी नहीं तेरे, तब तो पता लगे ना पकाए तो पिछली पकने बार नहीं करा, देता, तो मत पकने डालो नहीं बस। देता हूँ। अभी ये भी पकाएंगे बाटी, अभी ये बताओगे रही तो भोजपुरी गाना थोड़ी ना आता है मुझे, लेकिन गा रही हूँ मैं, ट्राई ये कर देखो रही हूँ रखने लग गया ट्राई। हूँ। क्या मेहनत कर रहे राज, राज से कह रही थी मैं बाजार से ले आओ, मार्केट में मिलती है। राज कहते वो स्वाद थोड़ी ना आएगा, वो भट्टी में उसमें बनाते हैं नकली वाली भट्टी जो होती है, कह रहे आग पे सेकने में मजा ही कर रहे हैं। फिर हम लोग खरीद के लाए कंडे, जैसे ठंडी में तापता नहीं था पड़ोस के यहाँ, इसीलिए मजे कर रहे हैं ऐसे। हाथ राखी आंटी के वहाँ वैसे हाथ सब देखता रहता दूर से। वोई डोई आटा के लोई पुआ कई ले बा, की डोडी के डोडी चाट चाट के खुआ दोस्तों ये देखो कई ऐसे ले पड़ चुकी हैं बा। अब इसमें आग में, अब इन्हें डर तो पलटाते नहीं रहे, रही है ऊपर वाली पट्टी नहीं उतर देखी, अब इन्हें पलटाते रहेंगे ऐसे। डर रही है। देखो कितनी जल्दी जल्दी वो हो रही है, इनको बहुत जल्दी जल्दी पलटाना है ना है। भैया, लेकिन जो राज के हाथों की बनी हुई मजा है, वो थोड़ी अपने दूसरे हाथों का बनाया हुआ मजा आता है। राज के मजा बनाने भी में ज्यादा आता है, और खुशी फिर मिलती है। बाजार बाजार अपने मेहनत करो जब अलग ही मजा आती मैंने है। तो ये चोखा बनाने के लिए कर रही हो है? हाँ ये चांदनी तैयारी कर दी इधर चोखा बनाने के लिए, टमाटर प्याज काटने की, और इधर रियांश देखो क्या शरारत कर रहा है। मुझे पानी भी लेके आना, पानी भी खत्म हो रखा है। ठीक है दोस्तों ये मैं तो अपना यही खाई करेगी, थी और भैया, जब तक मैंने बाटी वहां रख दी है, चलो आप लोगों को दिखा देते हैं बाटी, ठीक है? बाटी देखो, फिर मैं पानी लेके आता हूँ जल्दी। ये देखो बाटी रेडी हो चुकी बिल्कुल, और मैं जाता हूँ जल्दी पानी लेके आता हूँ।
क्योंकि 8 बजे के बाद पानी मिलता नहीं, 8, 8:30 बजे के बाद। ठीक है दोस्तों, जब तक ये पकने दो। दोस्तों ये देखो चारों तरफ से पक चुकी हैं फिलहाल तो, लेकिन अभी और पकानी है। देखो फट चुकी हैं, इसका मतलब ये पक चुकी हैं। देखो चार कुछ कुछ बाकी रह रही हैं, जैसे ये देखो पक चुकी है अभी बहुत। देखो हाथ कितने जल गए, गरम गरम लग रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज। ये देखो जल चुकी हैं बहुत, अगर थोड़ी एक देख नहीं पाओ ना तो जल जाती हैं तुरंत। ये देखो कितनी पक चुकी है, ये तो ज़्यादा ही पक चुकी है, गल चुकी है, तो इसको अलग ही रख रखे हैं मैंने। और चलो आलू देख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है पहले इनको हटा। और चांदनी कुछ आलू पकी हुई नहीं है, कच्ची हुई है तो फट गई है वैसे तो। हाँ पक चुकी है, समझ लो अगर फट गई समझ लो पक गई, पक गई तो पक गई। लेकिन हम धीरे धीरे इनको गरम करते रहेंगे, अंदर तक पकाते रहेंगे। और जब अभी चोखा भी बनाना है ना, चोखा बनाने जब तक इसे गरम ही रखेंगे, खाने तक ही इसे गरम रखेंगे। अभी अभी लाइट चली गई है बिल्कुल। मेरा रियाज भी कुछ बनाने, रियाज देखो क्या कर रहा है, आलू खेल रहा। बाटी बन के तैयार, राज भी पसीने से पके पके, आलू पका पका। राजीव देखो आलू पक के तैयार हो गई है, अब मैं मिलाऊंगी इसमें भरते में, भरता बनाऊंगी मतलब बढ़िया सा मस्त एक नंबर का। आपके तो हाथ तो नहीं लगा लिया, मिर्ची मिर्ची नहीं थे, क्या कर रहा है? हाँ इसके साथ तो ये देखो बाटी रेडी होके आ चुकी है घर पे अंदर। ये देखो चांदनी अब इसके राख आख साफ कर रहा है, और मैं पसीना पसीना हो गया था। देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, अब नहा के आता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों को। ठीक है पसीना पसीना बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक है जब तक चांदनी इसको साफ करेगी मैं आता हूँ, क्या बोलती चांदनी? ये देखो भरता बना चुकी है आलू का, और दाल उसमें रखी हुई है, और इसको अभी फ्राई कर देगी बस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नहा के आ चुका हूँ मैं, और ये देखो चांदनी घी और दाल है जो भी है बाटी चोखा लगा रही है। ये देखो घी और ये बाटी, देखो घी में पूरी हटा ना, बाटी देखो घी में पूरी वो हो रखी है, ये दाल है और ये भरता है। और चांदनी देखो खाने जा रही है, खाओ चांदनी खा के बताओ कैसा है। ये पहला बाइट, मजा आई? ठीक है ये आलू भरता खा लिया है, आप लोगों को बताओ। उन्हें रखो तो थोड़ा खाने लगे हम लोग, रियांत रो रहा है। और ये मैंने ले लिए पहला, और ये डुबाया मैंने दाल में, और ये मस्त आलू का भरता। टेस्टी लग रहा है मस्त, हम मुझे इतना अच्छा लगता है कुछ देने को नहीं। ठीक है जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। ठीक है मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी से है, मतलब मस्त खाने में लग रही है, टाइट टाइट सी। और जो घी का स्वाद आ रहा है एक नंबर का आ रहा है। ठीक है क्योंकि देसी घी है, घर का बना हुआ है, ये दुकान वाला नहीं देसी घी है, ये घर का देसी घी है भैंस का। हाँ इनकी माँ ने बना के भेजा है। ठीक है देखो इतनी सारी रखी है चोखा बाटी, तब हम लोग खाएंगे अभी, जो बचेंगे फिर सुबह खाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक है और ये एक दोस्तों अब हम लोग खा लेते हैं। ठीक है
और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और सब्सक्राइब प्लीज कर लिया करो और वीडियो देखा करो, ठीक है, क्योंकि और बताओ कमेंट में कैसी लगती मेरी वीडियो, कैसी लगती है और कैसे बनाए हम लोग, क्या मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।